बात अब राजस्थान की करेंगे, जहां कोरोना काल में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोप लगाया कि उनके और निर्दलीय विधायकों को लालच दिया जा रहा है, लेकिन कोई इस झांसे में नहीं आएगा। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई है। उधर कांग्रेस नेता महेश जोशी ने राज्य के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुट गई है। सभी विधायकों को जयपुर के शिव विलास होटल में रखा गया है। ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जो डीजीपी को लिखा गया है हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, और साथ ही इस लेटर में तमाम डिटेल्स दी गई हैं, किस तरीके से विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, कितनी पेशकश की जा रही है और लगातार 25-25 करोड़ तक का ऑफर सामने आ रहा है। महेश जोशी की तरफ से लिखी गई है चिट्ठी, कांग्रेस नेता हैं और उन्होंने इस चिट्ठी में पूरे विस्तार से जानकारी दी है कि किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के जो 22 एमपी गए हैं, वाली 22 एमएलए गए, उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। वो लोग वहाँ दूसरे सारे क्षेत्र के अंदर, लोग कहते थे 25 करोड़ में भेजे लोग हो, किस पूछ आए वापस, 5 साल ही भेजा हमने आपको, आप आ गए जल्दी, क्यों आए भाई? और बीजेपी वाले टिकट नहीं दे पा रहे उनको, क्योंकि वहाँ के बीजेपी खुद का कैडर है, वो कहते हम कहाँ जाएंगे, और वो सब पहले चुनाव नहीं हो रहे, वहाँ पर कैबिनेट नहीं बन पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर। तो यही खेल यहाँ खेला जा रहा था। हमारे विधायक बहुत समझदार हैं, वो समझ गए और खूब उनको बैलेंस वोट देने की कोशिश की गई। मेरे घर इस बात का है कि 6 BSP के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता। मुख्यमंत्री जी के बयानों से ऐसा लगता तो था कि वो चिंतित भी हैं और शंकित भी हैं, लेकिन उन शंकाओं को आज प्रमाण मिल गया। यदि सरकार पूरे तरीके से सुरक्षित है, अंतर्कलह नहीं है और किसी तरीके का खतरा नहीं है, तो 10 दिन तक किस तरीके से विधायकों को इतने लंबे अरसे तक वो रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस बात से साबित हो गया कि सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वो बीजेपी पर आरोप लगाएं, लेकिन उनका खुद का घर सुरक्षित नहीं है, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, और इसलिए इस तरीके की नौबत आज कांग्रेस पार्टी के भीतर आई है। तो शिव विलास होटल में इन कांग्रेसी विधायकों को रखा गया है ताकि इन्हें हॉर्स ट्रेडिंग से बचाया जा सके। उस जगह का, उस रास्ते का जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। कोरोना काल में अब राजनीति भी अनलॉक हो गया है। राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस सरकार को समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने शिव विलास रिजॉर्ट में क्वारंटाइन कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के तरफ से उनको समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए कुछ विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, वो डीजीपी को चिट्ठी लिखते हैं कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारे विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अजीब बात है कि ना तो उस पत्र में किसी विधायक का नाम है कि किसको ऑफर किया गया, ना ही शिकायत में है, जबकि सरकार इनकी है। दरअसल इस तरह की बातें लंबे समय से चल रहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ हो सकती है। इसकी वजह यह है कि राजस्थान में से राज्यसभा की 3 सीटें हैं, 3 सीटों पर करीब सभी कैंडिडेट को जीतने के लिए 51-51 वोट चाहिए। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए यहाँ पर एक चौथा उम्मीदवार भी ओंकार सिंह लखावत को उतार दिया। पहले यहाँ पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल और नीरज दांगी कांग्रेस की तरफ से थे, राजेंद्र गहलोत बीजेपी की तरफ से, लेकिन चौथे उम्मीदवार को उतारने के बाद सारा गणित जो है वो गड़बड़ा गया है। दरअसल बीजेपी के पास 72 वोट है, जबकि कांग्रेस के पास निर्दलियों को मिलाकर करीब 122 से 123 वोट का दावा कांग्रेस कर रही है। ऐसे में 102 वोट चाहिए कांग्रेस के 2 राज्यसभा उम्मीदवार जिताने के लिए, लेकिन फिर भी
एक डर ऐसा बैठा है जिसे लेकर अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर यहां पहुंचे हैं।